श्री सभापति महोदय, आपने मुझे रेल मंत्रालय और बजट पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं इसको सपोर्ट करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर ज़्यादातर लोग रेल की मुसाफरी करते हैं और हर रोज जो नौकरी जाते हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए जाता है, कोई अपने काम के लिए निकलता है, वो हर रोज़ उनके लिए तो ये रेल जो है वो लाइफलाइन जैसी है। उसके लिए माननीय श्री, आज मैं बधाई देता हूँ मंत्री जी को कि पूरे भारत के अंदर अगर रेल के जो स्वच्छता का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया, कहीं पहले देखते थे स्टेशन के आसपास कूड़े कचरे पड़ा रहते थे, कहीं पान की पिचकारियाँ रहती थी, आज स्वच्छता के अभियान से पूरे भारत के अंदर हर एक रेलवे स्टेशन पे स्वच्छता होती है, सफाई होती है, उसके साथ कूड़े कचरे के वहाँ पे रखे जाते हैं जहाँ कचरा डालने की जगह, और हर रोज सफाई रहती है। इसके साथ साथ टिकट की व्यवस्था जो पहले के समय में जो थी, आज की तारीख में एक अलग वहाँ पे ई टिकट आपको मिल जाती है। ये सुविधा भारतीय, ये जो भारत का सुविधा के अंदर पहली दफा जो पहले की सरकारें जो थी उसके अंदर और आज के अंदर कितना दूर है ये अंतर, कि हम लोग सब जानते हैं जिस तरह आज इस तरह पहले भारत के अंदर हम जो देखते थे कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, लिफ्ट वगैरह वो हवाई अड्डे पर रहती थी, आज की तारीख के अंदर हम देखते हैं कि पूरे पूरे बड़े शहर के अंदर भी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तो होते हैं कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ और लिफ्ट वगैरह, परंतु आज कई जगह जो रेलवे स्टेशन छोटे छोटे शहर के अंदर है उसके अंदर भी आज रेलवे की इलेक्ट्रिक सीढ़िया का काम चालू हो रहा है। इसके साथ साथ लिफ्ट भी लगाई जाती है जिससे मुसाफिर जो आता जाता रहता है उनको जो दिक्कतें रहती थी वो कम होने लगी है। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर जो रेल मंत्रालय द्वारा जो सुरक्षा दी जाती है, पहले क्या था कि जहाँ यहीं कहीं कोई एक्सीडेंट होता था, कहीं जगह चोरी होती थी, आज की तारीख के अंदर कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसके साथ साथ वाईफाई की फैसिलिटी दी जा रही है। माननीय महोदय, ये सब नए भारत की रचना की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कि हमारे कई सदस्य लोग बता रहे थे कि ये ट्रेन हमारे यहाँ पर चालू नहीं हो रही है, तो इनको मैं कहना चाहूँगा कि इनको पूरा भरोसा है कि ये मोदी सरकार ही कर सकती है। इनको जो हमारे मेरे गुजरात के एक जो सदस्य है और बता रहे थे कल कि हमारे यहाँ पे पिछले 10-11 साल पहले मैंने जो मांगे रखी थी वो हमारी पूर्ण नहीं हो रही थी, इनको मैं कहना चाहूँगा कि ये इनको पूरा भरोसा और उनको पूरा विश्वास है कि ये कोई कर सकता है तो वो मोदी सरकार ही कर सकती है। इसके साथ पहले जो रेलवे के जो रेलवे मंत्रालय और जो परिवहन का जो मंत्रालय रहता था उसके साथ दोनों की जुड़ी साथ नहीं रहती थी, इसकी वजह से क्या होता था कि कई जगह पे जो रेलवे जाती थी फाटकें बंद किया करती रहती थी और कई जगह आज भी तारीख में बंद है, परंतु क्या रहता था कि वहाँ आने जाने के लिए जो दिक्कतें रहती थी, जो रोड से जाते थे उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत रहती थी क्योंकि फाटक बंद रहता था। आज की तारीख के अंदर आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ रेलवे के फाटक जहाँ बंद रहते थे उसकी जगह ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, कहीं जगह तो ऐसे अंडरग्राउंड जो गन्नाड़े वगैरह बनाए जाते हैं जिससे अंडरग्राउंड लोग आते जाते रहते हैं, तो ये सुविधा रेल मंत्रालय ने की है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि माननीय जो मंत्रालय के जो मंत्री जी है उनको कि जे 51,000 हेक्टर के अंदर जो सोलर पार्क और ऊर्जा पार्क जिस तरह का जो बिजली का उत्पन्न होगा और इससे पूरे रेल मंत्रालय को और उसके साथ साथ जुड़े हुए कई लोगों को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज की तरह जो टैंकर वगैरह लगाए जाएंगे जिसके अंदर दूध है, सब्जी है, कोई फल है, उसके साथ जो फिश है, मीट है, वो जो आवन जावन का रहेगा तो उसको भी देश को फायदा रहेगा और रेल मंत्रालय को फायदा रहेगा। इसके साथ साथ
जो किसान लोग हैं उनको भी फायदा रहेगा। जो किसान ट्रेन की बात की कि पहले के क्या था कि आदमियों के लिए ट्रेन आती जाती थी, पर इसके साथ साथ किसानों को एक अलग तरीके से, क्योंकि किसानों की जो फसलें रहती है उनकी जो फसल वो उत्पादन करते थे वो शहर तक पहुंचाने के लिए कई दफा ऐसा होता था ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता था। आज की तारीख के अंदर ये जो प्रावधान किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ पीयूष जी के और उनके मंत्रालय को कि ये बात पूरे किसान पूरे भारत के अंदर जो किसान हैं उनको खुशी होगी कि हमारा कोई भी जो फसल उगाएंगे या तो जो भी निर्माण करेंगे वो शहर तक हम पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कई शहर में इन्होंने जो इलेक्ट्रिक जो हमारी पूरी ट्रेनें पहले के ज़माने में कोयले से चलती थी, फिर डीजल से चलती थी, आज इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। कई जगह तो ऐसा कहने में आया, मैंने सुना कि हमारे यहाँ पे ये ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, अगर आती है तो टाइम टू टाइम नहीं आती है। मैं कहना चाहूँगा कि पहले का टाइम देखिए और आज का टाइम देखिए, जिस तरह भारत बढ़ रहा है, जिस तरह भारत का जो विकास हो रहा है, उस तरह आज की तारीख के अंदर कई जगह पे जो टाइम जो है आज का इनका टाइम कटिबंध पे पहुंचने का, उसके साथ सुरक्षा भी कि जहां जहां जो लोग बैठे उनको सुरक्षा के साथ वहां पहुंचाने का, उसके साथ साथ गुड्स का कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, पहले में क्या था कि जहां पे गुड्स रहता था वहां कहीं पे कोई उसका कोई संभाल नहीं लेता था, आज की तारीख के अंदर उसका जैसे हवाई जहाज में जिस तरह उसका संभाल रखता है उसी तरह रेलवे के अंदर उसको संभाल के चलाया जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर पहले और इसीलिए हम सब रेलवे स्टेशन जो जहाँ जहाँ पहले क्या था कि टिकट लेने जाते थे तो काफ़ी घंटों पर खड़ा रहना पड़ता था, आज की तारीख में क्या है कि जहाँ भी हमको जहाँ टिकट चाहिए तो आज मोबाइल पे आप लोग अपना PNR नंबर डाल के 139 पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सुविधा आज की तारीख के अंदर हो रही है। जिस तरह जैसे जिस हवाई अड्डे में जो लोग जाते थे उसी फैसिलिटी आज इंडिया में मिल रही है, भारत में मिल रही है। जैसे तेजस ट्रेन की बात की तो तेजस ट्रेन के लिए मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि आप एक बार वहाँ उसकी मुसाफरी कीजिए, वो मुसाफरी से आपको मालूम पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख के अंदर जहाँ वहाँ उसके अंदर जो लगाया गया स्क्रीन लगाई गई है मोबाइल चार्जर के साथ साथ उसके साथ मनोरंजन का भी प्रावधान किया हुआ है, उसके साथ खाने पीने का सब व्यवस्था जो किया हुआ है, ये भारत के अंदर बदलाव, अलग भारत बन रहा है और इसको हमको आगे ले जाना है। कई लोग बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, उसके बारे में कई लोग उसके जो खिलाफ, मुझे लगे कि ये बुलेट ट्रेन उनको कहीं ना कहीं हमको कहाँ ले जाना है, उनको लगता है कि बुलेट ट्रेन नहीं आना चाहिए। मैं इस सदन से माध्यम से कहना चाहूँगा कि बुलेट जो ट्रेन है वो हमारे भारत के लिए नए जनरेशन के लिए एक तोहफा है। तो इसके सिवा ज़्यादा ना कहते हुए माननीय महोदय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, आभार, धन्यवाद।